नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। में इस वक्त मौजूद हूँ गोंडा विधानसभा में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गोंडा मंडल से उपाध्यक्ष नरेश गर्ग जी। स्वागत है आपका नरेश गर्ग जी। थैंक यू सर। मेरा आपसे पहला रहेगा कि आप आने वाले जो नवरात्र जो चल रहे सर, इस नवरात्र के पावन अवसर पर आप पहले क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को पावन नवरात्रों की और रामनवमी दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और सबके साथ अच्छा हो, सब विकास करें और सबकी कामनाएं पूरी हों इसी के साथ। अच्छा, जैसे आपका सर राजनीति का सफ़र जो 25 साल का आपका रहा सर, काफ़ी पुराना, कैसा रहा सर 25 साल का सफ़र आपका? 25 साल का सफ़र जो है जी, काफ़ी अच्छा रहा। हमने विपक्ष को भी देखा, सत्ता पक्ष को भी देखा, आज विपक्ष को भी देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आज दिल्ली के अंदर राजनीति हो रही है, इतनी घटिया राजनीति और इतनी, मतलब लोग परेशान हैं, नशे को बढ़ावा मिल रहा है, गंदा पानी है। अभी भी मैं जहाँ बैठा हूँ भाई साहब, हैं सुबह से लाइट नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल यहाँ पे बाहर किसी और के ऑफिस में आके बाहर हम यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं। आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे कितना बुरा हाल है। जब मैं कहीं जाता हूँ, इतना मतलब अच्छे परिवार के, अच्छे घर के लोग शराब पी के रोड पे गिरे पड़े रहते हैं। कुछ दिन पहले मैंने देखा, अभी एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ और वो एक्सपायर हो गया, पता लगा जी उसने भी शराब पी रखी थी। ओके। आज जितना भी दिल्ली के अंदर क्राइम हो रहा है या एक्सीडेंट हो रहे हैं या अन्य केस हो रहे हैं, उसमें 90% शराब का बहुत बड़ा हाथ है। मेरा तो यही निवेदन है दिल्ली सरकार से कि अगर आपको काम करना है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कर दिए, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए मत करिए। इससे नई जनरेशन ख़राब हो रही है, परिवार बर्बाद हो रहे हैं, बच्चों के घर में फीस देने के लिए उनके पैसे नहीं हैं, उनकी पढ़ाइयाँ छूट गई हैं। खाली टीवी पे कहने से मैं शिक्षा पे ध्यान दे रहा हूँ, मैंने बिजली ये कर दी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, लेकिन अगर आप ज़मीनी हकीकत देखना चाहते हो अरविंद केजरीवाल जी, आप हमारे उत्तरी पूर्वी जिले के अंदर आइए। लगभग आपको 7.5 साल हो चुके हैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के बाद। शायद आपने 2 चुनावों के अंदर, केवल चुनाव में वोट मांगने आप उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंदर आए हो, लोगों की समस्या सुनने के लिए, उनके समाधान के लिए ना तो कोई आपका मंत्री आया, ना संभव मुख्यमंत्री जी आए। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, वहाँ के लोग कैसी दुर्दशा में रहते हैं, कैसे डर के माहौल में रहते हैं, कैसे मतलब वहाँ पे उनका स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। गली गली में शराब, इसमें गांजा, छीना झपटी, मोबाइल छीनना, चैन टूटना, ये आम बात हो गई है, व्यापारियों को लूटना। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जिन लोगों ने आपको वोट दिया, दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया, कृपया करके आप उनकी चिंता करिए और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंदर जिसको जमुना पार कहा जाता है, वहाँ पे भी आके देखिए आप, सही आपको पता लगेगा कि आपने कितना काम करा है। अच्छा, जो आप तो राजनीति से जुड़े हैं और कई संस्थाओं से भी आप जुड़े हैं सर जी, तो किस किस एक्टिविटी पर आप काम कर रहे हैं? देखो जी, चाहे कोई संस्था हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, हमारा उद्देश्य होता है लोगों के काम करवाना, उनके काम आना। हमारा मकसद था, देखो इस संगठन से जुड़े हम, हमारी विचारधारा संगठन से मेल खाती है और अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के नाते हम लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। जो समाधान होगा वो चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा ही होगा। तो इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ जितने भी अच्छे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में जुड़ें और लोगों की समस्याओं का समाधान करें, और लगभग चाहे वो किसी भी संस्था से कम अपने क्षेत्र के चुने हुए प्रतिनिधि के टच में जरूर रहें। अगर आप सच में लोगों के काम करवाना चाहते हो, जो पहली कड़ी है वो चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा ही है, जो लोगों की समस्याओं का समाधान कर सके। लेकिन वहाँ पे मैंने एक बात देखी है जी, सुरक्षा की दृष्टि से हमारा गोंडा विधानसभा फेल है। फेल है बिल्कुल जी, सुरक्षा की दृष्टि से। जिम्मेदार कौन है सर? केंद्र में आपकी सरकार है। देखो जी, खाली ठीक रहा केंद्र के ऊपर फोड़ा जाए जी, पुलिस उसकी है, लेकिन मुख्यमंत्री होने के नाते आप कमिश्नर को, DCP को, SHO को लेकर वहाँ का दौरा तो कर सकते हैं, किसी ने मना थोड़ी ना करा आपको। आप वहाँ जाइए, आप संभव जाइए, लोगों की समस्याओं का समाधान करिए, उनसे पूछिए। आप पहले भी धरने पे बैठते थे, आप जाके बैठिए ना कमिश्नर के, अमित शाह जी के जाके बैठिए ना धरने पे। लेकिन जब आप आओगे ही नहीं और ठीक रहा उनके सर फोड़ोगे, तो ऐसी गंदी राजनीति सब जानते हैं, सब समझते हैं, इससे कुछ नहीं होता। बाकी मेरा तो यही मानना है जी, एक जमुना पार का ऐसा इलाका, ना तो वहाँ पे कोई अच्छा स्कूल है जी, ना कोई अच्छा कॉलेज है, ना अच्छा कोई हॉस्पिटल है,
ना बच्चों के लिए पार्क है, ना कोई चौड़ा रोड है, एक पेट्रोल पंप है तो उस पर इतनी भीड़ होती है, आधा घंटे में नंबर आता है। हमारी अगर मूलभूत समस्या का समाधान करना है तो हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों से, दिल्ली सरकार से, चाहे वो केंद्र के सांसद हों या मंत्री हों, एक सरकारी फंड ऐसा निर्धारित करा जाए जो यहाँ के बच्चों को पार्क दिलवा सके, यहाँ के युवाओं को पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल और कॉलेज मिल सके, लोगों जब लोग काम पे जाते हैं तो चौड़े रोड और जाम से मुक्ति मिले, और आधी रात को भी कोई आए तो उनसे चैन ना छीनी जाए, उनसे पैसा ना छीना जाए, उनका पर्स ना छीना जाए, उनके चाकू और गोली ना मारी जाए, ऐसे माहौल का वातावरण बनाना चाहिए। चुनाव सर MCD को लेकर जो भी समय प्रक्रिया चल रही है तैयारी, क्या लगता है इस बार 15 साल BJP में रही है MCD, आने वाला जो समय हरा कैसा रहेगा सर? देखो जी, आने वाला जो समय है, अगर अच्छे लोगों को, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को टिकट मिली और लोगों के बीच में जिनकी पब्लिकिटी अच्छी है, जिनको लोग चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि जिसको नेता चाहते हैं या कोई परिक्रमा कर रहा और उसको थोप दिया जाए, ऐसे भाजपा नहीं जीतेगी। भाजपा जीतेगी पुराने कार्यकर्ताओं के दम पे, जिसके साथ मंडल भी लग जाए, जिसके साथ उसका पड़ोस भी लग जाए, और जिसके साथ पूरा संगठन भी लग जाए, और जिसके लिए लोग और दूसरी संस्था भी कहें अब भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा प्रत्याशी उतारा है और हमारे पसंद का उतारा है, हम इसको जितवा के लाएंगे। हाँ, मैं ये और कहना चाहूँगा जी, हमारा जो संगठन है वो सबसे ज़्यादा तवज्जो देता है बूथ अध्यक्ष और मंडल को, तो जब टिकट मिलती है तो उसमें मंडल की कितनी भूमिका रहेगी, ये हमारे संगठन को तय करना है, तो ही जीत और हार का फैसला निश्चित होगा। इस समय जो महंगाई का काफ़ी बड़ा एक इशू बना हुआ सर, जो हर आदमी की जेब में इसका मार पड़ रहा है, तो महंगाई पे आप कुछ कहना चाहेंगे सर? देखो जी, महंगाई समय के अनुसार बढ़ेगी, चाहे कोई भी सरकार आ जाओ, लेकिन विपक्ष को एक मुद्दा चाहिए। विपक्ष कभी ये नहीं कहता जी सत्ता पक्ष ने ये काम अच्छा करा है, आज तक एक बार भी कहो। महंगाई तो देखो नेचुरल बात है, जब महंगाई भत्ता बढ़ता है सरकारी लोगों का, लोगों को सुविधाएं मिलती हैं और आने वाली चीज़ों में फ्री भी मिलता है, तो नेचुरल बात है। देखो जी, और इनकम भी बढ़ी है लोगों की, अगर आप देख लो 5 साल 10 साल पहले लोगों की जो इनकम थी उससे 2 गुना 3 गुना बढ़ी भी है। प्राइवेट सेक्टर में बढ़ी है सर? देखो जी, सब बढ़ी है सर। अगर मान लो 10,000 से 15,000 कर दी गई, क्या उसमें वो गुजारा कर पाएगा? जो लड़का काम करता था 8,000 में, आज उसकी 15,000 की सैलरी है, क्या गुजारा कर पाएगा दिल्ली में सर? बिल्कुल कर रहे हैं, अगर नहीं कर पाते तो अब चिकता ले जाते छोड़ के। तो समय के अनुसार देखो जी, महंगाई तो बढ़ेगी और इनकम भी बढ़ेगी, और कोई इंसान कुछ भी ना करे, सारे दिन घूमता रहेगा, अरे महंगाई बढ़ गई महंगाई बढ़ गई, महंगाई उसको ज़्यादा लगेगी जो सुबह काम पे नहीं जाएगा, सारे दिन गलियों में घूमेगा, बैठ के ताश खेलेगा। जो आदमी कमाने जाता है, मेहनत करने जाता है, उसके लिए ना महंगाई कल थी ना आज। और एक छोटी सी कोई अपील देना चाहेंगे आप नरेश जी लास्ट में? मैं तो सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा, कोई भी चुनाव लड़े, किसी भी पार्टी से चुनाव लड़े, जो आपके क्षेत्र से चुनाव लड़े उस व्यक्ति को वोट देना जो उस वोट के लायक है। अगर आप गलत आदमी को वोट देते हो तो अच्छे की उम्मीद मत करना, और अच्छे को वोट दोगे तो गलत की उम्मीद मत करना। मेरा तो लोगों को यही संदेश है। तो यह हमारी सीधी बात नरेश गर्ग जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।